जय हिंद दोस्तों, एम्पायर क्या होता है, क्रिकेट एम्पायर कैसे बने, उसके बारे में हम बहुत ही सरल शब्दों में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। नंबर वन, एम्पायर क्या होता है। फुटबॉल के बाद क्रिकेट दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल है जो बिना एम्पायर के नहीं हो सकता। क्रिकेट के खेल में अम्पायरों की भूमिका न्यायपालिका या जजों की तरह होती है। नंबर टू, अम्पायर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। आपने यह सब तो जान लिया कि क्रिकेट एम्पायर क्या होता है, पर क्रिकेट एम्पायर बनने के लिए आप में कुछ योग्यताओं का होना भी जरूरी है, तभी आप क्रिकेट एम्पायर बन सकते हैं। नंबर वन, आपकी आंखों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। नंबर टू, आपकी अच्छी फिटनेस होना चाहिए। नंबर थ्री, क्रिकेट के नियमों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा क्रिकेटरों की तरह अम्पायरों को भी उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका जाता है, और जो अम्पायर जितनी गलतियां करता है उसको उसी हिसाब से विभिन्न ग्रेड में बांटा जाता है। जैसे BCCI ने अम्पायरों को चार ग्रेड में बांटा है, ग्रेड ए में 20 एम्पायर, ग्रेड बी में 25 एम्पायर, ग्रेड सी में 35 एम्पायर और ग्रेड डी में 40 एम्पायर। आप सबने यह तो जान लिया BCCI में अम्पायर को कितने ग्रेड में बांटा है, पर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि BCCI क्या होता है। BCCI, जिसका फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, यह एक भारतीय क्रिकेट संस्था है जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भारतीय क्रिकेट टीम और IPL T20 के रूप में जाना जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि अंपायर क्या होता है और इसमें किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है। इसके बाद अब आप जानेंगे अंपायर बनने की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको राज्य के क्रिकेट यूनियन के साथ रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि आपके नाम की सिफारिश राज्य यूनियन के द्वारा ही BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया को भेजी जाती है। स्टेप नंबर टू, जब आप स्थानीय मैचों में भाग लेंगे तो राज्य यूनियन आपके नाम को BCCI को प्रत्येक वर्ष या हर दो वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली लेवल 1 की परीक्षा के लिए भेजता है, यानी पहली परीक्षा के लिए भेजता है। स्टेप नंबर थ्री, BCCI सभी आवेदकों के लिए 3 दिनों के लिए कोचिंग क्लास की व्यवस्था करता है। उसके बाद यानी 3 दिनों की कोचिंग क्लास के बाद चौथे दिन लिखित एग्जाम कराई जाती है, जिसमें मेरिट के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट किए जाने पर अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक इंडक्शन कोर्स के लिए जाना होता है, जहाँ पर खेल के नियमों और उससे संबंधित डाउट्स को क्लियर किए जाते हैं। स्टेप नंबर फोर, शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद आपके लिए एक और परीक्षा आयोजित की जाती है जो प्रैक्टिकल और मौखिक रूप में होती है। स्टेप नंबर फाइव, जब आप एक परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं तब आपको सेकंड परीक्षा में भाग लेना होगा, जो आमतौर पर एक वर्ष की अवधि के बाद आयोजित की जाती है। स्टेप नंबर सिक्स, लेवल 2 की परीक्षा यानी सेकंड परीक्षा को क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा व आपकी अलग अलग प्रकार की जांच की जाएगी। स्टेप नंबर सेवन, जब आप सेकेंड एग्जाम और मेडिकल टेस्ट को क्लियर कर लेंगे तब आपको एक और इंडक्शन प्रोग्राम से गुजरना पड़ेगा, और जब आप इसको भी पार कर लेंगे तब आपको BCCI का अंपायर घोषित कर दिया जाएगा, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का अंपायर घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपके अंपायरिंग करियर की शुरुआत होगी। इसी के साथ आपके करियर की शुरुआत भारत में आयोजित होने वाले रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी इत्यादि मैचों से होगी। जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा, वैसे वैसे आपको इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग करने का मौका मिलता जाएगा। अंपायरिंग करियर में कदम रखने के बाद आपको दी जाने वाली सैलरी 40,000 से 50,000 होगी, जो आगे बढ़ती चली जाएगी, और ये सैलरी महीने की नहीं पर डे की होगी। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे फैमिली मेंबर में ज्वाइन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना।